Hello everyone, welcome to EVS Academy. So today we are going to discuss on the data interpretation. ठीक है, आज हम data interpretation discuss करने वाले हैं जो कि हमारे 2023 के exam में आया था. ठीक है, ये 2023 के exam का data interpretation हम लोग check करने वाले हैं. ठीक है, तो 2023 में जो data interpretation का question आया था वो किस तरीके से आया था, क्या आपको करना था और क्या आपने गलती की, आइए चलते हैं ये सब चेक करते हैं. ठीक है, तो इसको जब चेक करने जाते हैं तो क्या बताता है, देखो यहाँ पे ये बोलता है कि मूवी दे रखा है, 6 सिटी दे रखा है. कौन सा? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़. ठीक है, उसमें कौन कौन सी मूवी लगी? ए, बी, सी, डी और ई. 5 तरीके की मूवी लगी है और 6 सिटीज में लगा हुआ है. क्लियर है? तो कभी भी अगर आप डीआई बनाने चलते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन बनाने चलते हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप डीआई को पहले कॉपी में उतार लो. ठीक है, भले ही आपको टाइम लगे सॉल्व करने में, बट आप डीआई को कॉपी में उतार रखो ताकि आपको जो सॉल्यूशन बने वो इजीली बन जाए. क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछता है द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ मूवी बी सोल्ड इन हैदराबाद. तो हम क्या करेंगे, हैदराबाद को सर्कल आउट करेंगे और मूवी बी जो है उसमें 17,000 है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि 17,000 मूवी है. वाज अप्रोक्सीमेटली, ये क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ टिकेट्स ऑफ द सेम मूवी सोल्ड इन ऑल द सिटीज टुगेदर बोला है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको एक्स मान के चलो. तो अगर हम मान के चलें कि एक्स परसेंटेज, ठीक है, ऑफ क्या है, एक्स परसेंटेज ऑफ क्या है कि ये जो पूरे सिटीज के जो टोटल है उसकी बात चल रही है. तो इस पूरे सिटीज का टोटल करोगे तो ये आपका आएगा 70,000. बस इसको जोड़ देना है तो ये 70,000 आएगा. ठीक है, तो टोटल का जो आता है वो 70,000 आता है. तो हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आता है, 17,000 इक्वल टू एक्स बाई 100. ऑफ का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लाइड इंटू 70,000. ठीक है, और इसमें अगर हम एक्स लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 17,000 इंटू 100 हो जाएगा और आपका 70,000 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो आपकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 20.28 के बराबर आती है. अब ये कैसे आता है कोई पूछेगा, देखो पहले तो जीरोस को कट आउट कर दो, ये जीरोस कट हो गए, ये जीरोस कट हो गए. क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि 70 में ये जीरो है, यहाँ पे भी ये जीरो कट कर दो. अब सिंपली आपको क्या करना है कि 170/7 करना है. तो ये तो काफी इजी है, 170/7 करोगे तो काफी इजी है. 14 में 2 आ जाएगा और 30 बचेगा और ये आपका चला जाएगा 4 में 28, फिर 2 बचेगा तो 28 आएगा. तो अप्रोक्स आंसर जो था वो था 24. सबका आंसर क्या था, 24 था. आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जो जून में होने वाला है. और आप सब हमारे ईवीएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको हर तरीके के सॉल्यूशंस, डिटेल पीडीएफ्स एंड डिटेल स्टडी मटेरियल्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. देखो बच्चों, आने वाला जो एग्जाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है और जेआरएफ अगर आप सबका होता है तो ईवीएस एकेडमी से आपका अगर कोशिश करेगा कि आपके हर पॉइंट में आपकी मदद करे. ठीक है, All the best.